राहुल को रक्त एवं चर्म इन्फेक्शन एने इंद्रप्रस्थ आपोलो हॉस्पिटल डाक्तरों परामर्श ऑपरेशन जिंदगी सफल होगा पर राहुल को बिलासपुर आपोलो हॉस्पिटल आईसीयू रखी चिकित्सा करुवा सीनियर कंसल्टेंट डाक्तर सुनील कुमार एने मेडिकल बुलेटिन जारी करजावत राहुल किसी रिपोर्ट आसी सारी आहरी एकाधिक रिपोर्ट आसवर बाकी अच्छी आहरी एक सप्ताह राहुल जत्न नेबार आवश्यकता रही डाक्तर कहते बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है। बच्चा खाना खा रहा है, बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो सावधानी के तौर पर जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है और जो भी ज़रूरत की दवाइयां हैं अभी चल रही है। ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक ही रहेगा। अभी और कितने दिन रहेगा यहाँ अस्पताल में? देखिए ये एग्जैक्टली कहना किसी के लिए भी मुश्किल है लेकिन ये सेप्सिस में यूजुअली 7 दिन कम से कम लगते हैं उसको सेप्सिस को ख़त्म होने में। इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है? ये इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। काहे के कारण इन्फेक्शन हुआ पानी में? जो इतने देर तक अंदर में था और उसके कारण स्किन छिल गया था तो बैक्टीरिया घुसा है उसके बॉडी में उसके कारण इन्फेक्शन। निमोनिया की संभावना बता रहे थे, निमोनिया है क्या बच्चे को? देखिए अभी अभी कुछ जो है सो उसके सारे टेस्ट अभी नहीं आए हैं, कुछ सीटी स्कैन वगैरह होना है तो उससे और भी पता चलेगा कि संभावना जरूर है कि अंदर में लेवल का इन्फेक्शन है, किस स्तर का? मॉडरेट बोल सकते हैं ब्लड में। खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है अभी? जो बच्चे चाह रहे हैं डिमांड कर रहे हैं ना वो दे रहे हैं हम लोग। निगरानी में कितने डॉक्टर्स की टीम लगी आपकी? सीनियर डॉक्टर्स कितने हैं? कितने डॉक्टर्स की? करीब 5-6 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं। वो पूरे टाइम 4-5 दिनों तक लगातार बैठा रहा तो क्या हड्डियों में भी किसी प्रकार की समस्या आई है क्या? नहीं नहीं हड्डी में कोई समस्या नहीं आई है, हड्डी में कोई समस्या नहीं है, स्थिति सामान्य है। अभी स्थिति ये बोल सकती अभी अभी तुरंत की बात करें तो स्थिति स्थिर है लेकिन आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा ये किसी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि क्योंकि इन्फेक्शन है। रिपोर्ट देखिए अधिकांश आ गई है लेकिन दवाइयां का कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और अभी में क्या फर्क है? बेहतर है। त्वचा कितने प्रतिशत खराब है कमर से नीचे? कई जगह जो है सो दिक्कत है, प्रतिशत का मत पूछिए।